अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते मेरी YouTube फैमिली, होप आप सब ठीक होंगे। सो ये है आनंद सिटी का क्राफ्ट बाज़ार। जी हाँ, और आनंद सिटी में ये क्राफ्ट बाज़ार बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ह्यूज है। तो अगर आप आनंद के हैं तो आपने ये क्राफ्ट बाज़ार ऑब्वियसली देखा होगा, लेकिन जो आनंद विज़िट करने वाले हैं या कभी कभी आनंद जाते हैं और उन्हें नहीं पता है कि आनंद में इतना खूबसूरत मार्केट है, ये वीडियो उनके लिए है। तो ये सारे ही क्राफ्ट बाज़ार जो है, एक बड़ा सा एग्ज़िबिशन रहता है हमेशा ही आनंद सिटी में, और बहुत ज़्यादा इनके पास वैरायटी है चीज़ों की। जैसे ये पूरा वुडन का है, और जो आपने वॉचेस देखी वो 1500-1600 की रेंज में वॉचेस थी। बहुत ही अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे, और बहुत यूज ऑफ वैरायटी आपको मिलेगी यहाँ पे। तो आप जैसे ये देख रहे हैं, ये सभी कुछ प्रॉपर वुडन का है जी, बिल्कुल, और ओरिजिनल वुडन है, और बहुत सारा यूज ऑफ वैरायटी थी इनके पास। जैसे ये आप देखें, ये जो है वो हम धूप वगैरह रखते हैं तो वो इसमें आप रख सकते हैं। ये कुछ 150 के थे की स्टैंड्स, तो ये 150 के अराउंड के थे। ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज़ हैं इनके पास। मिरर्स आप देखें, बहुत सारा स्टफ़ था। मैं डिटेल में एक एक चीज़ें तो ऑब्वियसली नहीं बता पाई, पर मैंने जितना हो सका उतना मैक्सिमम कवर किया है आप सबके लिए। सो ये शेल्स की कुछ चीज़ें थी वहाँ पे, जिनकी प्राइस 100 से स्टार्ट हो जाती थी, और ये शो पीसेस है बेसिकली। बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये वाले शो पीसेस, और बहुत सारी वैरायटी आपको इस टाइप की, आपके होम रिलेटेड बहुत कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। तो आप देखें इस टाइप का पूरा क्राफ्ट बाज़ार, और हर चीज़ के अपने अपने अलग अलग स्टॉल्स थे। तो ये देखिए, ये पूरा जो है वो लखनवी वर्क का था, एंड वुलन शॉल्स थी यहाँ पे। और ये जो आप देख रहे हैं, ये शॉल्स का रेट उन्होंने 2500 बताया, जो बहुत कॉस्टली है। और इनके पास शॉल्स स्टार्ट हो जाती थी कुछ 500 से लेके 700 के अराउंड, तो इस टाइप का था उनके पास स्टफ, पर थोड़ा कॉस्टली लगा मुझे एज़ पर अदर प्लेसेस से। यहाँ पे यूज ऑफ वैरायटी जो है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की मिल जाएगी आपको, और उसमें हर टाइप की ज्वेलरी आपको मिल जाएगी। जैसे आनंद सिटी है तो उसमें आपको बहुत सारी वैरायटी, जैसे अहमदाबाद है, मुंबई है, उसके जितना मिलना मुश्किल है, पर आपको यहाँ पे जो है आपको प्रॉपर सारी ही वैरायटी मिल जाएगी। लेकिन यस, सिटी के हिसाब से थोड़ा सा रेट जो है वो मुझे हाई लगा। ये वाले जो स्टड्स थे, ये वो बता रहे थे भैया कि ओरिजिनली स्टड्स हैं, और बहुत ही अच्छे मतलब क्वालिटी के हैं जो उन्होंने बताया। तो सबसे यूज वाले जो थे वो 150 के थे, और मुझे हमेशा स्टड्स बहुत पसंद हैं। तो ये जो देखिए आप, ऐसे लाइटर से उन्होंने पूरा स्टोन जो है वो जला के बताया, उसे कुछ भी नहीं हुआ, और वो बोलते हैं कि ये आपका सालों साल तक चलेगा ऐसे ही। ये 150 की पैर थी, वैसे ही 100 की, 80 की, इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट पैर्स थी, और भी बहुत कुछ स्टोन्स का यहाँ पे, ईयरिंग्स थे, नेकलेसेस बहुत सारे थे, रिंग्स थी यहाँ पे। तो बहुत कुछ आपको अलग अलग वहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी में बहुत सारी यूज ऑफ वैरायटी मिल जाएगी। तो अगर आप आनंद विज़िट करने के हैं तो आप ज़रूर से जो है क्राफ्ट बाज़ार विज़िट कीजिए, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा वहाँ से। और अगर आप आनंद के हैं तो आपको पता ही होगा कि ये बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, जहाँ पे आपको सारी ही चीज़ें एक जगह पे मिल जाएगी और अफोर्डेबल प्राइजेस पे। और ये आप देखिए, अभी चोकर सेट बहुत लगे निकले हैं, बहुत ट्रेंड में हैं चोकर नेकलेस, वो थे। ये जो हैं वो स्कर्ट थे, माने आपके 2 महीने की बच्ची से लगा के आपको हर एज की लेडीज़ के लिए यहाँ पे स्कर्ट्स मिल जाएंगे। और घर की कुछ इस टाइप से चीज़ें आप देख रहे हैं, किचन की चीज़ें, वो भी किचन एसेंशियल्स बहुत ज़्यादा। ये इलेक्ट्रिक मशीन था 500 का, इलेक्ट्रिक कटिंग मशीन 500 का ये था, और ये जो था ये 80 रुपीज़ का था। ये मुझे बहुत ही यूज़फुल लगा कॉर्न निकालने के लिए,
उसके कॉर्न्स के जो बीज है वो निकालने के लिए। और ये आप देखें, ये जो है ये नाइफ़ है, कटर, नाइफ कटर। तो ये जो है मेरे हिसाब से बहुत ही यूज़फुल चीज़ें हैं हमारे रेगुलर रूटीन में काम आने वाली। और भी बहुत सारा स्टफ़ था इनके पास, जैसे आप देखें वुडन में स्पैचुलास वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रेंज वही नॉर्मल रेंज थी, 100, 150, 200, उसी रेंज में आपको ये सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। अगेन मैंने बताया कि यूज ऑफ वैरायटी है वहाँ पे, और मैंने हर स्टॉल में से थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो कवर की हैं। सब कुछ सिमिलर जो था वो मैंने कवर नहीं किया है, लेकिन जो जो मुझे कुछ अलग दिखा या कुछ लगा कि नहीं ये वैरायटी आपको दिखानी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे कोई भी शॉप जो है वो मतलब शॉपकीपर थे वो ऑनलाइन देने में इंटरेस्टेड नहीं थे। ये 150 का था नेकलेस, बहुत अच्छा लगा मुझे मोती का, और वो कोई भी ऑनलाइन देने में इंटरेस्टेड नहीं थे वो, क्योंकि वो स्टॉल्स लेके बैठे हैं और उतना टाइम नहीं होता, रश होता है इनके यहाँ पे, तो ऑनलाइन आपको नहीं मिलेगा। आपको वहाँ पे अगर आप आनंद सिटी में हैं तो आपको वहाँ पे जाके ही परचेस करना पड़ेगा। और ये देखिए, आपको हाउस के रिलेटेड या आपकी पर्सनल चीज़ों के रिलेटेड हर चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी इन अ वन प्लेस। और ये आप देखिए, इस टाइप से बैग्स वगैरह मिलेगी। ये भी बैग्स कुछ 50 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती थी और 200-300 तक जाती है ये वाली बैग्स, जो 50 में है, 50 और 70 में, तो वाटर बैग्स आपको मिलेगी। और बैंगल्स आप देखें, बैंगल्स की भी यूज ऑफ वैरायटी थी वहाँ पे, तो बैंगल्स लवर के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस थे यहाँ पे कि आपको हर टाइप के ऑप्शंस मिल जाएंगे। आनंद जो है अहमदाबाद और बड़ौदा के बीच में पड़ता है आनंद सिटी, और अगर या तो उसके आसपास के लोगों को अहमदाबाद शॉपिंग के लिए आना पड़े या फिर बड़ौदा जाना पड़े, तो ये जो है आनंद सिटी में ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन निकल गया है। आप देखें तो कि यहाँ पे अहमदाबाद और बड़ौदा जैसी सारी ही वैरायटी आपको मिलेगी, तो आपको इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो आनंद के आसपास के लोग तो यहीं से शॉपिंग करते हैं मोस्टली। और आनंद में अभी मैंने देखा रिसेंटली कि बहुत ही बड़ी बड़ी ब्रांड्स आ चुकी हैं, तो वो भी ब्रांड्स सारी ही वहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप देखें, हेयर एसेसरीज़ में भी यूज ऑफ वैरायटी थी, वही आपको हर चीज़ पे 5-10 रुपये थोड़े से एक्स्ट्रा थे, लेकिन यस आपको मिल जाएगी सारी चीज़ें। तो ये जो देखें आप, हेयर बैंड्स की बहुत सारी वैरायटी, हेयर क्लिप्स वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पे इन अ वन स्टोर मिल जाएगा। नेल पेंट्स आप देखें इस टाइप से, ये पजामे मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत ही लूज़ पजामे थे, कुछ डिफरेंट पजामे थे, और ये वाले डिफरेंट डिफरेंट कलर के पजामे। और ईयरिंग्स मैंने अगेन आपको बताया, बहुत सारा यूज ऑफ वैरायटी था ईयरिंग्स का, तो बहुत सारा आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा आनंद में। और ये जो थे ये कुछ 80 रुपीज़ के अराउंड के थे ईयरिंग्स, तो मुझे बहुत मज़ा आया एक्सप्लोर करने में। और ये नेकलेस मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, ये कुछ 200 का, 200 प्लस ही शायद भैया बता रहे थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं अमाउंट, पर उतना बता रहे थे। और ये वाले जो नेकलेसेस थे इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी, और कुछ यूनिक लग रहे थे डिफरेंट रेगुलर वाले उससे। और हम गए थे वहाँ पे वेडिंग में, और वेडिंग से हम लोग ऐसे ही बस बाहर निकल गए, और आप देखें इतना हैवी कपड़े पहन के इतना अजीब सा लग रहा था शूट करना, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए कर लिया कि नहीं मैं यहाँ पे आई हूँ तो एटलीस्ट यहाँ की कुछ चीज़ें जो है वो कवर करके जाऊँ। और आप देखिए, ये जो है बच्चों के लिए सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको, जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों के क्लेज वगैरह और पेंसिल्स, कलर बॉक्सेस वगैरह, पर्स, बच्चों के छोटे छोटे वॉलेट्स यहाँ पे थे, और 20, 30, 40, 50 यही जो नॉर्मल रेट बाहर मिलता है वही रेट यहाँ पे था। ये जो है ये पानी में डालते हैं तो वो डबल साइज़ के हो जाते हैं, और फिर बस उसे शो पीस आप एक बॉटल में डाल के रखे वो थे। ये फ्रिज मैग्नेट वहाँ पे थे,
और ये आप देखें पर्सेस, वॉलेट्स बेसिकली इसे कहा जाएगा, क्लचेस वगैरह वो थे। और ये आप शर्ट्स देखें, हैंडवर्क और नॉर्मल हैंडमेड ये वाले थे, ये भी हैंडवर्क की ही साड़ी थी। और साड़ीज थी उनका रेट थोड़ा हाई था, मुझे हाई लगा इनका रेट, तो साड़ीज भी बहुत सारी यहाँ पे मिल रही थी। और ये साड़ी जो है वो गुजराती हैंडवर्क की साड़ीज़ है जो आप देख रहे हैं, बहुत सारा वैरायटी था यहाँ पे भी। साड़ीज आपको मिल जाएगी, कुर्ताज एंड कुर्तेज़, रेडीमेड कुर्ता पैंट सेट भी थे। ये आप देखिए ड्रेस मटेरियल है जो धागा वर्क किया हुआ है। और ये देखें होम डेकोर की तो बहुत सारी वैरायटी आपको यहाँ पे मिलेगी। और प्राइसिंग जो है वो मैंने जैसे बताया कि अकॉर्डिंगली सिटी के हिसाब से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रहती है प्राइसिंग भी। बहुत सारी यहाँ पे आपको इस टाइप की वैरायटी मिलेगी जो स्पेशली गुजरात में देखने मिलेगी आपको, इस टाइप की वैरायटी वो सारी ही वैरायटी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अगर आप गुजरात बाहर से आ रहे हैं और आनंद में हैं तो आप ज़रूर से यहाँ से आपके गिफ्ट पर्पज़ के लिए भी आप कुछ ना कुछ ले सकते हैं। बहुत डेलिकेट चीज़ें हैं, बहुत डेलिकेट चीज़ें थी यहाँ पे, और बहुत संभाल के हमें अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो उन्हें ले जाना बहुत ही संभाल के। तो आप देखें इस टाइप से मूर्तिज वगैरह बहुत अच्छी थी और स्टैचूज बहुत अच्छे थे, लेकिन यस अकॉर्डिंग टू द प्राइस वो थोड़े से लिटिल बिट हाई थे। आई डोंट नो वहाँ पे बार्गेन होता है या नहीं होता है, पर अगर आप जा रहे हैं तो आप ज़रूर से बार्गेन करवाइएगा, ट्राई तो करना ही चाहिए बार्गेन का। और ये आप देखें इस टाइप से सारी रिंग्स वगैरह बच्चों की, बड़ों की रिंग्स, बहुत सारी लेडीज़ की रिंग्स थी वहाँ पे। मुझे तो बहुत मज़ा आया पूरा घूमने में और शूट करने में, कि मैंने चाहा कि चलो एक बार मैं आपके लिए यहाँ का क्राफ्ट बाज़ार भी शूट कर लूँ और यहाँ की वैरायटी आपको बता दूँ। तो जैसे आपने को मैंने बताया कि चोकर नेकलेसेस अभी बहुत ट्रेंड में हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो है चोकर नेकलेस मिल रहे हैं, क्योंकि वो साड़ीज पे, ड्रेसेस पे, सब पे बहुत अच्छे से जाते हैं। ये आप देखें, ये बहुत ही खूबसूरत कालीन थे यहाँ पे, और अच्छी क्वालिटी के थे, बिल्कुल बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, पर यस थोड़ा सा हाई रेट था। और हर साइज़ के यहाँ पे अवेलेबल थे, मतलब आपका कितना भी बड़ा घर है या कितना भी मतलब नॉर्मल साइज़ का छोटा सा घर है, आपको परफेक्ट साइज़ यहाँ पे मिल ही जाएगी। और 3-4 हज़ार से यहाँ के कालीन स्टार्ट हो जाते हैं, तो बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएंगी। ये जो है वो गर्म पानी की थैली है जो अब हम लोग नॉर्मली सेक वगैरह करते हैं बॉडी पे, तो ये कुछ अलग स्टाइल से आई हुई थी। और बहुत सारी यहाँ पे भी ये वाली इलेक्ट्रिक चीज़ें वगैरह मिल रही थी, स्ट्रेटनिंग मशीन, आयनिंग मशीन वगैरह, तो वही रेट नॉर्मल जो मार्केट में रहता है। और मैंने बताया जैसे कि अगेन स्टैचूज, होम डेकोर की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। कपड़ों में भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, जैसे कि आप देखें वेस्टर्न वेयर आपने देखा, एथनिक आपको साड़ीज वगैरह दिख गई हैं, कुर्ताज जो हैं वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी, सॉक्स वगैरह, ये आप देखें ये 100 के 3 पैर और इस टाइप से सॉक्स थे। अहमदाबाद में भी मोस्टली यही रेट चलता है, थोड़ा बहुत बार्गेन कराओ तो आपको 100 में 4 दे देते हैं, तो ये वाले जो आप देख रहे हैं ये 100 में 3 पैर थे बच्चों के, तो सॉक्स वगैरह आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ये आप देखें क्लचेस वगैरह, ये 450 या 500 का भैया बता रहे थे क्लच जो है वो, और बाहर भी अराउंड 250-300 तक बाहर मिल जाता है अहमदाबाद वगैरह में, तो यहाँ पे बस इतना रेट हाई था। ये जो है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये मार्बल की चीज़ें थी, मार्बल पत्थर की चीज़ें, और मुझे मार्बल पत्थर बहुत पसंद है, उसकी सारी चीज़ें मुझे बहुत ही एकदम कूल फील देती हैं। आपका कैसा कहना है वो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और ये जो है आप देखें इस टाइप से लाइटिंग के साथ ये वाले लैम्प्स मिल रहे थे, और मुझे पत्थर की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, स्टोन्स की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, वो मुझे बहुत ही कूल एंड पीसफुल जो है, मैं उन्हें घंटों तक देखती रहूँ तो मुझे एकदम पीसफुल लगता है।
तो आपका कैसा मानना है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप देखें, ये जो था, ये कुर्ताज थे इनके पास, और इनके पास बहुत अच्छे कुर्ताज थे, बहुत अच्छा मटेरियल था। अगर आप आनंद में हैं या आनंद जा रहे हैं तो आप ज़रूर से इनसे कुर्ताज लीजिएगा। ये पूरे ही पूरे जयपुरी कॉटन में थे और इनका मटेरियल बहुत अच्छा था। आप जानते हैं कि मुझे अब एटलीस्ट इतनी समझ आ चुकी है कि मैं मटेरियल छू के बता सकती हूँ, फील करके बता सकती हूँ कि ये मटेरियल का क्या रेट होगा, क्या है। और ये सारे कुर्ताज जो है वो 300 में मिल रहे थे। यस, तो इनका मटेरियल जो था वो प्योर कॉटन में था, मतलब बिल्कुल उसमें मिलावट नहीं थी। 100% ये वाले जो कुर्ते हैं वो जयपुरी कॉटन में थे, और ये जयपुरी कॉटन में जो कुर्ते होते हैं उनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो पहनने पे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये रूटीन वेयर में आपको ये वाले कुर्ताज जो हैं वो मिल जाएंगे। ये 400 और 450 के अराउंड के वाले कुर्ताज थे, जिनकी क्वालिटी यस ऑब्वियसली हाई थी। ये वाला जो कुर्ता, ये 350 और 450, ये पिंक वाला जो है, ये 350 वाले कुर्ते थे, जो ऑफिस वेयर के लिए बहुत परफेक्ट आपको मिलेंगे देखने को। और ये जो हैं, ये आप 450 के कुर्ता देख रहे हैं, ये भी ऑफिस वेयर में रूटीन में बहुत अच्छे लगते हैं। और क्या चाहिए यार, मतलब 450 में इतने अच्छे सोफेस्टिकेटेड कुर्ता मिल जाएगा, 200-250 में आपको पैंट मिल जाएगी। ये आप देखिए, ये कुछ 800-900 की पैर थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। और ये आप देखें, इसका फ्लैरी राउंड जो है वो फ्रॉक था, और उसके साथ ही दुपट्टा, 3-पीस का सेट था। और ये जो है ये भी 550 का था टॉप। यस, थोड़ा कॉस्टली लग रहा है, लेकिन इसका मटेरियल बहुत अच्छा था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एज पर मटेरियल जो है वो मुझे अब आइडिया आ जाता है कि यस, ये मटेरियल अच्छा है, ये मटेरियल की ये रेंज होनी चाहिए, तो वो बहुत ही वर्थ था। और आप देखिए, इस हिसाब से बहुत सारी आपको यूज ऑफ वैरायटी मिल जाएगी। ये वाले जो हैं वो 3/4 मैंस वेयर के थे, और आई डोंट नो, मैंने उसकी प्राइस नहीं पूछी क्योंकि मुझे थोड़ी सी जल्दी थी, और मुझे जल्दी से अपना शूट जो है वो कंप्लीट करना था। तो ये आप देखें, लेदर पर्स वगैरह, की चेन्स बच्चों के लिए, बहुत सारे की चेन्स मिल रहे थे वहाँ पे, और बहुत सारी वैरायटी थी बच्चों को अट्रैक्ट करने का। पूरा पूरा उनके पास सारा इंतज़ाम है कि आप खाली हाथ तो बच्चा यहाँ से जा ही नहीं सकता। तो आप देखें इस टाइप से, और कोम, ये वाले जो डोरमेट्स थे ये 150 के दो थे, बहुत अच्छे चलते हैं, ट्रस्ट मी, मेरे पास ये वाले डोरमेट हैं और ये बहुत अच्छे चलते हैं, ये वाले डोरमेट। और ये जो है ये 100 का सिंगल था। इसमें प्रॉब्लम ये आता है बस कुछ टाइम के बाद कि इनका जो पीछे का रबर है वो निकलने लगता है। वैसे ये बहुत अच्छे चलेंगे आपके, पर पीछे का ये वाला जो रबर है ये निकलने लगता है कुछ वक्त के बाद, वॉश के बाद, 6-8 महीने में। ये आप देखिए, बैंगल्स कांच की, और जो कांच की बैंगल्स पहनता है उनके लिए तो बहुत सारी वैरायटी है। मैं तो बिल्कुल नहीं पहनती हूँ बैंगल्स, तो मेरे तो किसी काम के नहीं थे ये। और ये भी कांच की जो शो पीसेज हैं बहुत डेलिकेट थे, मतलब अगर आपका कांच का शो केस बंद वाला है तो ही आप ये चीज़ें लीजिए, अगर खुले में तो हवा के, मेरे जैसे में तो हवा के इतने झोंके आते हैं कि पूरा गिर जाए, तो आप ये नहीं लीजिएगा। अगर आपका बंद शोकेस है तो ही लीजिए। ये देखें आप, बहुत सारी बैंगल्स, मतलब बहुत यूज ऑफ वैरायटी थी बैंगल्स की। कुर्ताज बॉयज़ के और जेंट्स के कुर्ताज आपको मिल जाएंगे, और इसके अलावा कुछ पूजा का सामान वगैरह यहाँ पे अवेलेबल था। ये जो हैं वो ईयरिंग्स, अगेन स्टड्स, बहुत सारे टॉप्स थे इस टाइप से, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो बहुत यूज ऑफ वैरायटी है गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए, गिफ्ट पर्पस के लिए भी आप यहाँ से कुछ ना कुछ ले सकते हैं, और बहुत सारा आपको वैरायटी यहाँ पे मिल जाएगा। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये स्टोन के डबल कलर में बहुत कुछ था यहाँ पे।
तो मुझे तो बहुत मज़ा आई और मैं हमेशा जब भी आनंद जाती हूँ मैं क्राफ्ट बाज़ार ऐसे ही घूमने तो चली ही जाती हूँ, चाहे मुझे कुछ लेना है नहीं लेना है, लेकिन मुझे क्राफ्ट बाज़ार में क्या नया आया है वो देखने ज़रूर जाना होता है, तो मैं अक्सर चली जाती हूँ। और ये देखें जूते आपको यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाएगी जूतों में भी, तो आपको यहाँ से परफेक्ट आपके पसंद के जूते भी मिल जाएंगे। शो पीसेस जैसे आपने देखा बहुत सारी वैरायटी थी शो पीसेस में तो, और ये पूरी जो है वो इंडिया की झलक आती हैं ये वाले शो पीसेस में, तो अगर कोई बाहर के लोग हैं या कोई फॉरेनर हैं या NRIs हैं तो उनको तो ये वाली पीसेस ज़रूर लेने चाहिए, तो अपनी मिट्टी से वो लोग जुड़े रहेंगे या गिफ्ट पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा लगता है ये वाले पीसेस, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपने घर में कोई फिगर वाली चीज़ नहीं रख पाती हूँ, और ये देखिए कितना खूबसूरत पॉट्स वगैरह थे, सनग्लासेस थे 150 में, बहुत सारी वैरायटी आप देखें जो यहाँ पे अहमदाबाद में 100 में मिल जाते हैं। और ये जो सेक्शन था इनके पास से मैंने पेंडल सेट एक बार लिया था वो बहुत अच्छा था, और इनके पास जो वैरायटी है वो क्वालिटी में है, हाँ थोड़ा सा हाई रेंज रहता है लेकिन क्वालिटी मिलेगी आपको, और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। एंट्रेंस के साथ ही आपको इनका जो है ये शॉप मिल जाएगी और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी, तो आप देखें इस टाइप से थोड़ा सा कॉस्टली रहेगा बाकी सब से, लेकिन इनकी क्वालिटी लाजवाब है और बहुत ही यूनिक डिज़ाइनिंग है इनके पास भी, तो आप मेरे तो हमेशा ध्यान इसी में जाता है और मैंने लिए भी थे यहाँ से 150 के, बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले स्टड्स, और मुझे स्टड्स पहनना या टॉप्स पहनना ही अच्छा लगता है, कभी कभी लॉन्ग जो इयरिंग या झुमके हैं वो ओकेशनली ही पहनती हूँ, नॉर्मली मैं कोई भी बड़ी वाली चीज़ नहीं पहनती हूँ या कोई भी लटकन नहीं पहनती हूँ। आपको कैसे अच्छे लगते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये आप देखें इस टाइप से चेन्स, अभी जो मंगलसूत्र ब्रेसलेट निकले हैं वो, और आपको कौन से कलर में बनवाना है ये सब कुछ इन यहाँ पे अवेलेबल है, आपको कोई भी पेंडल कोई और कलर में बनवाना है तो आप बनवा सकते हैं बिल्कुल इनसे, तो ये आपको खड़े खड़े ही बना के दे देंगे, तो इतना इनके पास वैरायटी है। देखें आप इतने सारे टॉप्स में कलर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, और ये जो है ये लट्टू है, जी हाँ, और बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले लट्टू, बचपन की याद दिलाते हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर से कमेंट में बताइए, और अगर आप आनंद के हैं और आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस शेयर करें। ये आप देखिए सिंचने वगैरह मुखवास वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, माउथ फ्रेशनर जिसे कहा जाता है, बहुत सारी यूज ऑफ वैरायटी थी, बुक्स थी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर से कमेंट में बताइए, मेरी चैनल को लाइक करें शेयर करें, समाज वर्ल्ड इंस्टाग्राम हैंडल को ज़रूर फॉलो कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।